Hey Marshmallows, आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कुंग फू कराटे चैंपियन जैकी चैन की एक फिल्म जो कि इसी साल रिलीज हुई थी। ये फिल्म उनके दिल के करीब है क्योंकि इसमें उनके कैरियर से जुड़ी कुछ यादों को भी दिखाया गया है। इस फिल्म में जैकी चैन और उनके पालतू घोड़े के बीच गहरी दोस्ती के अलावा बहुत इंटरेस्टिंग बातें भी बताई गई है और मुझे यकीन है कि आपको भी इस फिल्म की स्टोरी बहुत पसंद आएगी। तो बिना देरी के बढ़ते हैं फिल्म के फर्स्ट सीन की तरफ, जहां हम जैकी चैन यानी लुओ को देखते हैं जो कि बेचकर सो रहा था। मगर तभी एक घोड़ा उसके पास आकर उसे खींचने लगता है और उसका मुंह पानी में डुबाकर उसे नींद से जगाने की कोशिश करता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, कुछ इसी तरह लुओ का घोड़ा रेड उसे नींद से उठाया करता है। रेड बहुत प्यार से लुओ की हर बात मानता है और हमेशा उसकी मदद करने की कोशिश करता है। इसके बाद जब लुओ रेड को बांध कर एक जगह पे सो रहा था तो वहाँ से गुजरते हुए कुछ घुड़सवार एक दूसरे से बात करते हैं। वो बताते हैं कि एक वक्त वो था जब लुओ हांगकांग की फिल्मों में खतरनाक स्टंट्स परफॉर्म करने वाला स्टंटमैन हुआ करता था, मगर अभी की बात करें तो लुओ की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि अब उसे बड़ी मुश्किल से दो वक्त की रोटी भी बड़ी मेहनत से कमानी पड़ती थी। उसके पास गुजारा करने के पैसे भी नहीं थे और उसकी बेटी भी उसे इस हाल में अकेला छोड़कर चली गई थी। अगले सीन में हम लुओ को एक ढाबे में बियर की बोतलें खाली करते देखते हैं। एक तो पहले से ही वो गम में अकेला महसूस कर रहा था और ऊपर से वहां दामी नाम का एक लड़का आकर उससे उसके पैसे वापस करने के लिए कहता है, मगर लुओ उसे बताता है कि उसके पास तो खाने के भी पैसे नहीं थे। ये सुनकर दामी उसे कहता है कि या तो तुम अपना वो घोड़ा मुझे दे दो या फिर अपने घर का बैकयार्ड मेरे नाम कर दो। मगर लुओ घुटनों के बल बैठकर उसे थोड़ा वक्त देने के लिए कहता है, लेकिन दामी को उस पे गुस्सा आ रहा था इसलिए वो लुओ को लात मारकर अपने आदमियों से उसे सबक सिखाने के लिए कहता है। फिर ढाबे में लुओ उन सबको सबक सिखाकर अपने घोड़े रेड के साथ वहां से भाग जाता है। वो अपने घोड़े के साथ एक रोड पे छुप जाता है और दामी को चकमा देने में कामयाब हो जाता है। अगले दिन जब लुओ अपने बैकयार्ड में रेड की पीठ पे बैठा था तभी वहाँ टाई और कोट पैंट पहने दो आदमी आते हैं। वो दोनों लुओ से बात करके उसे बताते हैं कि तुम्हें तो अच्छी तरह याद होगा कि 3 साल पहले तुम्हें ये घोड़ा युआन नाम के आदमी से मिला था। इस घोड़े को लेकर जो केस युआन और जॉन के बीच चल रहा था फाइनली उसे जॉन ने जीत लिया है और अब वो इस घोड़े को वापस लेकर इसकी नीलामी करना चाहता है। वो दोनों आदमी लुओ से कहते हैं कि ये घोड़ा तुम्हें वापस करना होगा, मगर उनकी बात सुनकर लुओ को शॉक लगा था क्योंकि वो रेड को खुद से दूर नहीं करना चाहता था। वो उन्हें डांटकर वहाँ से भगाने की कोशिश करता है। सिर्फ लुओ ही नहीं बल्कि उसके दो और साथी यांगी और शियामो भी इस बात के खिलाफ थे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लुओ की बेटी बाओ को देखते हैं। दोस्तों वो काफी सुंदर दिख रही थी। वो लॉ स्कूल में वकील बनने की तैयारी कर रही थी। जब वो अपने घर वापस जाती है तो वहाँ बड़ी उम्मीद के साथ लुओ उसका इंतजार कर रहा था। वो उसे अपनी सिचुएशन के बारे में बताता है, मगर बाओ से कहती है कि अभी मैं चाहकर भी केस नहीं लड़ सकती क्योंकि मैं अभी वकील नहीं बनी हूँ, और फिर कमरे से बाहर चली जाती है। लुओ भी परेशान होकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद उसकी बेटी बाओ अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है जो कि ऑलरेडी एक वकील बन चुका था और उसने अपना केस भी जीता था। दूसरी तरफ लुओ अपने बैकयार्ड में उदास होकर आगे के बारे में सोच रहा था। इसी बीच एक डायरेक्टर लुओ और उसके घोड़े को फिल्म में लेने के लिए उनसे बात करने आता है। उसे एक ऐसा घोड़ा चाहिए था जो अपने मालिक की हर बात मानने को तैयार हो। उसकी बात सुनकर लुओ और उसका घोड़ा रेड दोनों बहुत खुश होते हैं। वहीं अगले सीन में हम बाओ और उसके बॉयफ्रेंड को देखते हैं जो बाओ की फैमिली से अपनी फैमिली को मिलवाना चाहता था। वो उनसे इस रिश्ते की बात करना चाहता था, मगर बाओ उसे कहती है कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि मेरे मॉम और डैड नहीं है, मैं इस दुनिया में अकेली हूँ, इसलिए हमारी शादी कब होगी ये मैं तुम्हें खुद बता दूंगी। और इतना कहकर वो वहाँ से उठकर चली जाती है। रात को सोते वक्त बाओ को उसकी मॉम की कई बात याद आती है और हम फ्लैशबैक में बाओ को उसकी मॉम के साथ देखते हैं। बाओ तब भी उतनी ही सुंदर दिखती थी जितने की आज दिखती है। बाओ की मॉम सच में कुछ साल पहले इस दुनिया से दूर चली गई थी, जिन्होंने मरने से पहले उसे कहा था कि अगर तुम्हारे पापा तुमसे कभी भी मिलने आए तो उनके साथ अच्छे से बात करना। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और बाओ की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। अगले दिन जब बाओ बाहर नाश्ता करने जाती है तो वहाँ उसे उसके डैड लुओ दिखाई देते हैं, जिन्होंने अपना हुलिया एक शिकारी ट्राइब के जैसा बनाया हुआ था। वो रेड के साथ मेन स्ट्रीट पे लोगों को एंटरटेन करके कुछ पैसे कमाना चाहते थे, मगर होता बिल्कुल उसका उल्टा है। ना तो कोई उनके पास जाकर उनसे बात करता है और ना ही कोई उन्हें पैसे देता है। अपने डैड को इस हालत में देखकर बाओ की आंखें भर आती हैं। आखिर वो उनकी बेटी जो थी वो उनके पीछे पीछे बैकयार्ड जाकर उनसे मिलती है और वहाँ पे लगी अपनी पिक्चर्स को देखकर इमोशनल हो जाती है। वहाँ उसे वो लीगल नोटिस भी दिखता है
होता है, जिसके बाद वो उन्हें अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है जो कि एक लॉयर था। इसके बाद वो रेड से भी मिलती है जो कि उसके डैड का इकलौता साथी था। अगले सीन में हम उसके बॉयफ्रेंड को देखते हैं जो कि उनसे केस के बारे में बात करने आया होता है। इस सीन में उसका बॉयफ्रेंड वहाँ पड़े धारदार हथियार और टूटी फूटी चीजें देखकर अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, क्योंकि शायद उसने लुओ से इस तरह मिलने के बारे में सोचा भी नहीं था। खैर, लुओ उसे केस के बारे में समझाने के लिए 3 साल पहले की कहानी बताता है और स्टोरी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ हम लुओ को देखते हैं। उस वक्त लुओ काफी जवान दिख रहा था और उसकी मुलाकात रेड से हुई थी जो कि बड़ी बुरी हालत में था। वो बहुत कमजोर था और उसका पैर भी घायल था, मगर उस दिन से लुओ ने उसका ध्यान रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके साथ वक्त बिताया, उसे ठीक से चलना सिखाया और उसके लिए वो सब किया जिसकी एक जानवर को जरूरत होती है। रेड को भी लुओ से बहुत ज्यादा लगाव हो चुका था और वो खुद उससे दूर नहीं जाना चाहता था। दोस्तों, इसके बाद हमारी स्टोरी वापस प्रेजेंट में आती है और बाओ अपने बॉयफ्रेंड के साथ रेड से मिलने जाती है, जो कि शुरुआत में रेड के स्तन देखकर थोड़ा डर रहा था, लेकिन लुओ उसे कहता है कि वो तो बस तुम्हारे साथ खेल रहा है। अगले दिन लुओ और रेड दोनों उसी डायरेक्टर की फिल्म के सीन की शूटिंग कर रहे थे जिसने उनके घर आके उन्हें ये रोल ऑफर किया था। बाओ भी उन्हें देखने वहाँ आई हुई थी, मगर अफसोस कि इतने सारे लोगों को हथियारों के साथ देखकर रेड थोड़ा घबरा जाता है, जिसके चलते स्टंट का शॉट नहीं मिल पाता। गुस्से में आकर डायरेक्टर उन दोनों को फिल्म से निकाल देता है और लुओ इस बात से दुखी हो जाता है क्योंकि उनके पास कमाने का एक अच्छा मौका था, मगर ये भी उनके हाथ से चला गया। रेड उसे खुश करने की कोशिश करता है, मगर लुओ अभी भी उससे नाराज था। रेड भी उदास खड़ा होता है, मगर बाओ उसके पास आकर उसे समझाती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हें ये स्टंट करने के लिए फोर्स नहीं करेंगे, और रही बात मेरे डैड की तो उनका गुस्सा बड़ी जल्दी ठंडा हो जाएगा, इसलिए अगर तुम करना चाहते हो तो तभी करना। उसकी बात सुनने के बाद रेड में अलग ही जज्बा जाग उठता है। वो दूसरे घोड़ों से ज्यादा फुर्ती के साथ सबको हैरान कर देता है। इसके बाद डायरेक्टर उसे और लुओ को एक और चांस देता है, जिसमें रेड और लुओ साथ मिलकर लाजवाब स्टंट करके उसको इम्प्रेस कर देते हैं। पूरी टीम के लोग तालियां बजाकर उनके लिए चीयर करते हैं और बस यहीं से लुओ के अच्छे दिन भी लौट आते हैं। रेड के साथ मिलकर वो अगली फिल्म में भी काम करता है और बाओ के साथ भी टाइम स्पेंड करता है। वो अपने होने वाले दामाद जी को तलवार चलाने की ट्रेनिंग देता है और डर डर के बड़ी मुश्किल से बाओ का बॉयफ्रेंड भी उनके साथ वक्त बिताने लगता है। दोस्तों, अब आगे इस कहानी में क्या होगा? क्या जो चेतावनी उन दो आदमियों ने लुओ को दी थी उसकी वजह से रेड को उससे दूर जाना पड़ेगा? अभी इस कहानी में बहुत कुछ होना बाकी है, इसलिए आप इसका अगला पार्ट देखने के लिए एक्साइटेड होंगे। इसकी रिमेनिंग स्टोरी मैं अगले वीडियो में समझाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।